अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ एहसान और आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है ग्रिफ्ट का एक्सपेरिमेंट। तो टॉपिक हमारे पास क्या है? ग्रिफ्ट एक्सपेरिमेंट। क्या है हमारे पास? ग्रिफ्ट एक्सपेरिमेंट। अब मेन टॉपिक जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, जो एक्सपेरिमेंट हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास ग्रिफ्ट है। लेकिन ग्रिफ्ट से पहले हमने एक चीज़ को थोड़ा सा समझना है कि 1910 में जब टी एच मॉर्गन ने क्रोमोसोमल जो थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है वो कंफर्म हो गई थी, उसके बाद कि अच्छा जो इनहेरिटेंस है, जो विरासत की इकाई है, वो क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम के ऊपर ही वो सारी इंफॉर्मेशन रिटर्न होती है जो कि थ्रू आउट दी जनरेशन चलती जाती है कि बाप से बेटे में, बेटे से पोते में, पोते से पोते में, और इस तरीके से मतलब थ्रू आउट दी जनरेशन जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जो इनहेरिटेंस है, वो रन करती है। तो जो सारी इंफॉर्मेशन है वो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की कन्फर्मेशन के बाद प्रूव हो गया था कि अच्छा ये इंफॉर्मेशन क्रोमोसोम के ऊपर होता है। लेकिन अब अगर हम गौर से देखें तो क्रोमोसोम भी कोई क्रोमोसोम है तो वो क्रोमोसोम के ऊपर भी बेसिकली दो पार्ट से, क्रोमोसोम डीएनए का भी बना है और साथ में प्रोटीन्स का भी बना है, ऐसा ही है। अब साइंटिस्ट ने 1910 तक, मतलब 1910 तक ये बात कंफर्म कर ली थी कि जो इनहेरिटेंस है, जो हमारे पास विरासत की इकाई है, जो हेरिडिटरी मटीरियल है, वो क्रोमोसोम है। लेकिन क्रोमोसोम में भी वो डीएनए है या वो प्रोटीन्स है, इस बात को भी कंफर्म करना बाकी था। क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम में हिस्टोन प्रोटीन्स भी होती हैं, क्रोमोसोम में हमारे पास डीएनए भी होता है। तो इधर कि वो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है आया, वो जो इंफॉर्मेशन है इनहेरिटेंस का इंफॉर्मेशन है, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन जो थ्रू आउट द जनरेशन रन करती है, वो सारे ट्रेड्स की इंफॉर्मेशन वो डीएनए के ऊपर है या फिर वो किसके ऊपर है? प्रोटीन्स के ऊपर है। इस चीज़ को अभी कंफर्म करना बाकी था। तो आगे ये जो डीएनए एज अ हेरिडिटरी मटीरियल है, इसके जो कंफर्मेशन के लिए कि अच्छा जो हेरिडिटरी मटीरियल है, जो विरासत की इकाई है, वो डीएनए है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो डीएनए के ऊपर रिटन है, ना कि प्रोटीन्स के ऊपर, इसके लिए कई सारे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो कंडक्ट हुए हैं। तो वो एक्सपेरिमेंट बेसिकली हमने तैयार करना है, उसमें सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट है वो है हमारे पास ग्रिफ्ट का एक्सपेरिमेंट। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस टी एच मॉर्गन ने कंफर्म कर ली थी। कब की थी? 1910 में। और ये जो ग्रिफ्ट का एक्सपेरिमेंट था ये हुआ था 1928 में। कब हुआ था? 1928 में। तो इट्स मीन के 18 साल लगे थे साइंटिस्ट को ये डिवाइस करने में कि यार किस तरह के एक्सपेरिमेंट से हम ये बात प्रूव करें कि डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल है या फिर प्रोटीन जो है वो हेरिडिटरी मटेरियल है। तो 1928 में भी कुदरत ने चाहा तो ग्रिफ्थ ने, मतलब वो अलग से ही एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था, लेकिन उसको यहाँ से जो किस तरह के एक्सपेरिमेंट होना चाहिए वो जो प्रोसीजर है वो साइंटिस्ट को पता लग गया, और उसके बाद फिर उनने धड़ाधड़ जो है वो काम करना शुरू कर दिया। तो काफ़ी लंबा वक्त लगा इनको ये डीएनए को प्रूव करते हुए कि यही हमारे पास हेरिडिटरी मटेरियल है। लेकिन शुरुआत उसकी होती है ग्रिफ्ट के एक्सपेरिमेंट से। तो ग्रिफ्ट का जो एक्सपेरिमेंट है वो बहुत ही बेसिक एक्सपेरिमेंट है, बहुत ईजी से एक्सपेरिमेंट है, लेकिन उसको समझना भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रिफ्ट एक्सपेरिमेंट समझने के बाद हमें समझ आएगा कि जो एवरी का एक्सपेरिमेंट क्या था और हार्शल एंड चेस का एक्सपेरिमेंट क्या था। तो सारी चीज़ें हमें उसके बाद समझ आ जाएंगी अगर हमें ग्रिफ्ट एक्सपेरिमेंट के बारे में सही से पता हो। तो सबसे पहले हमें देखना है ग्रिफ्ट के एक्सपेरिमेंट को। किसको देखना है? ग्रिफ्ट के एक्सपेरिमेंट को। इस बार में थोड़ी सी बैकग्राउंड बता दी। अब 1928 जो है, ये मैं क्या बार बार बोल रहा हूँ कि जो बायो की दुनिया में जितने भी हमारे पास बड़ी बड़ी डिस्कवरीज हुई हैं वो पिछले 150 साल में ही हुई है, मतलब 1850 से लेकर जो हमारे पास अभी तक 2000 तक, इसके अंदर बहुत सारी डिस्कवरीज जो हैं वो हो चुकी है, खासतौर पर बैक्टीरियोलॉजी के अतबार से या माइक्रोबायोलॉजी के अतबार से या खास वैसे भी बायोलॉजी के अतबार से, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर्स है हिस्ट्री को लेकर। तो ये काम भी हुआ था, ग्रिफ्ट एक्सपेरिमेंट हुआ था 1928 में। कब हुआ था? 1928 में। एक ब्रिटिश हमारे पास बैक्टीरियोलॉजिस्ट था, ब्रिटिश का मतलब क्या, इंग्लैंड का रहने वाला था, ब्रिटिश क्या था? बैक्टीरियोलॉजिस्ट, बैक्टीरियोलॉजिस्ट, ठीक हो गया। उसका नाम था फ्रेडरिक ग्रिफ्थ। क्या नाम था उसका? फ्रेडरिक ग्रिफ्थ। वो एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा था। अब मैं देखा ये क्यों इंपॉर्टेंट है, 1928 को देखो, 1928 से थोड़े पहले चले जाए तो 1918 में हमारे पास फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो खत्म हुई थी, ठीक है, ऐसा ही है, 1914 में शुरू हुई थी, 1918 में खत्म हो गई। उसके बाद 1920 तक एक एपिडेमिक आया था इन्फ्लुएंजा वायरस का। किसका? इन्फ्लुएंजा वायरस का, या स्पेनिश फ्लू का एपिडेमिक आया था वो। उसके बाद ये जो अभी वो ख़त्म ही हुआ था कि निमोनिया ने सारा उठा लिया था। किसने? निमोनिया। निमोनिया को तो सारे जानते हैं क्योंकि आजकल भी तुम लोगों के सामने ये सब कुछ हो रहा है। तो निमोनिया ने बहुत डेथ्स करना शुरू कर दी, मतलब निमोनिया की वजह से लोग बहुत ज़्यादा मरने लगे। अब निमोनिया
पता था सबको कि ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से हो रहा है, मतलब एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से निमोनिया होता है और उस निमोनिया की वजह से इंसान जो है वो मर रहे, ये सारा काम था। तो ये जो बैक्टीरियोलॉजिस्ट था ये कोशिश कर रहा था कि यार मैं निमोनिया के खिलाफ ये जो निमोनोकोकस, आजकल इसको जो नाम दिया जाता है इस बैक्टीरिया को जो निमोनिया काजिंग है निमोनोकोकस या फिर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, तो वो जो है कहता है कि मैं इसके लिए कोई वैक्सीन बना लूँ उस बीमारी के लिए कि यार ये जो चीज़ इसको थोड़ा कंट्रोल करूँ। तो वो उस वैक्सीन बनाने के चक्करों में क्या था, उसने एक एक्सपेरिमेंट जो है वो डिवाइस कर लिया। अब एक्सपेरिमेंट से पहले हम कुछ बेसिक बातें हैं जो कि उसके लिए समझनी है, खासतौर पर निमोनिया के एतबार से, कि ये जो बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक है। ये जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, हमारे पास क्या है, एक बैक्टीरिया है जो कि क्या कौन सी बीमारी कास कर रहा है, ये हमारे पास कास करते हैं निमोनिया की बीमारी। अब निमोनिया के अपर रेस्पिरेटरी जो डिजीज है, मतलब हमारे पास अमले तनफस या रेस्पिरेशन की वजह से हमारी जो सांस की तकलीफ होती है निमोनिया में, तो वो हमारे पास काजिंग बैक्टीरिया क्या, उसका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। अब ये जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, बाकी इसकी इन्फॉर्मेशन बैक्टीरियोलॉजी में देख लेना कि ये हमारे पास बैसिलस से ताल्लुक रखता है और उसके बाद जो भी इसके आर्डर वगैरह बनते हैं लैक्टोबैसिलस या जो भी। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की बेसिकली दो स्ट्रेन है, मतलब दो डिफरेंट टाइप्स उसको समझो। एक ऐसी टाइप थी, मतलब अब सारे इंसान अगर हम देखें तो उसमें से कुछ बुरे इंसान है कुछ अच्छे इंसान है, सारे बुरे नहीं है सारे अच्छे नहीं है। इसी तरीके जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है उसके भी दो स्ट्रेन है, एक स्ट्रेन जो है वो बीमारी काज करता है और एक स्ट्रेन जो है वो बीमारी काज नहीं करता। स्ट्रेन मतलब दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, स्ट्रेन को मतलब क्या ग्रुप है, एक ग्रुप है वो बीमारी काज करने वाला है, दूसरा जो है वो बीमारी काज नहीं करता। तो ये जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इसके दो ग्रुप्स है, एक ग्रुप को कहा जाता है आर टाइप, क्या कहा जाता है आर टाइप, और दूसरा ग्रुप है उसको कहा जाता है एस टाइप। दो ग्रुप्स हुए आर टाइप और एस टाइप। आर टाइप कौन से वाले होंगे, जो कि नॉन विरुलेंट है, क्या है हमारे पास नॉन विरुलेंट। नॉन विरुलेंट मतलब क्या होगा, नॉन पैथोजेनिक, नॉन पैथोजेनिक मतलब बीमारी काज नहीं करते। एस टाइप कौन से होंगे, विरुलेंट है। एस टाइप कौन से है, विरुलेंट है, पैथोजेनिक है, डिजीज काजिंग बैक्टीरिया है। कौन से, दोनों है हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है। दो स्ट्रेन है उसके, एक आर टाइप है एक एस टाइप है। आर टाइप उसको आर क्यों कहा जाता है, एस टाइप को एस क्यों कहा जाता है, इस चीज को हमने समझ लें, इसकी वजह से तो ये टॉपिक स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो आर टाइप और एस टाइप दो पता भी हमें पता लग गई कि आर टाइप और एस टाइप है, बुक्स में अमूमन ये चीज लिखी होती है। अगर मैं थोड़ा सा इसको और इलेबोरेट करूं तो आर भी हमारे पास बेसिकली आर टू टाइप है, कौन सा है आर टू टाइप, और जो एस टाइप उन्होंने यूज किया था वो था एस थ्री टाइप। ये बाज दफा हायर लेवल पे एमसीक्यू वगैरह आता है कि एस टाइप भी कौन से वाला एस थ्री टाइप और आर भी कौन से वाला आर टू टाइप, मतलब एस की भी तीन टाइप्स है 1 2 3, तो उसमें से जो तीसरा टाइप है एस थ्री टाइप वो यूज हुआ उस एक्सपेरिमेंट में, और एक हमारे पास आर टू टाइप जो है वो यूज हुआ है उस एक्सपेरिमेंट में। आर टाइप क्या है, नॉन विरुलेंट है, कोई बीमारी काज नहीं करता। एस टाइप क्या है, विरुलेंट है, मतलब ये बीमारी काज करता है। अब है क्या, अगर इसका थोड़ा सा जेनेटिक देखें, जेनेटिक्स देखें तो एस टाइप में कुछ ऐसे जीन्स हैं, मतलब इसमें भी जीन्स हैं इसमें भी जीन्स हैं, ठीक है। एक ऐसा एक प्रॉपर जीन है, एक तो उसके विरुलेंट मतलब विरुलेंट जीन्स होते हैं जो बीमारी काजिंग बीमारी काज करने वाले जीन्स होते हैं। उसके अलावा एस टाइप के अंदर कुछ जीन्स होते हैं जो कि कैप्सूल बनाते हैं, क्या बनाते हैं कैप्सूल। मैं बिलफर्ज इस जीन का नाम रख लेता हूँ कैप्सूल फार्मिंग जीन्स, CFG जीन्स, ठीक है, कैप्सूल फार्मिंग जीन्स। तो ये जो कैप्सूल फार्मिंग जीन्स है, जब ये एक्सप्रेस होते हैं, क्या होते हैं एक्सप्रेस होते हैं, मतलब एक्टिवेट होते हैं, जब ये ट्रांसलेट होते हैं, तो CFG के एक्सप्रेस होने की वजह से बिलफर्ज ये एस टाइप बैक्टीरिया है। तो उस CFG जो जीन है इस बैक्टीरिया के अंदर, जो CFG जीन है, जो कैप्सूल फार्मिंग जीन है, उसके एक्सप्रेस होने की वजह से इसके ऊपर हमारे पास एक कैप्सूल सा बन जाता है। किसके ऊपर, एस टाइप के ऊपर, क्या बन जाता है कैप्सूल सा बन जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो जीन्स है वो वर्किंग है, वो एक्सप्रेस होते हैं, तो उनके एक्सप्रेशन की वजह से जो एस टाइप है उसके गिर्द एक एक्स्ट्रा कैप्सूल सा बन जाता है, कवरिंग सी बन जाती है। किस चीज की, पॉलीसेक्राइड्स की। किस चीज की कवरिंग बनती है, पॉलीसेक्राइड्स की। तो इन पॉलीसेक्राइड्स की कवरिंग की वजह से हमारे पास जो एस टाइप है उसके गिर्द एक कैप्सूल बन जाता है, क्या बन जाता है। अब फर्स्ट ईयर में चीज हमने डिटेल में देखी है कि कैप्सूल क्या बला है, जो आउटर कवरिंग होती है बैक्टीरिया की सेलवाल के भी बाहर वो हमारे पास कैप्सूल होती है, और इस कैप्सूल का काम क्या होता है, इस कैप्सूल का काम होता है इस बैक्टीरिया को बाहर के एनवायरमेंट से प्रोटेक्ट करना। मतलब ये कैप्सूल बेसिकली क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन कर रहा है, क्या चीज कर रहा है, प्रोटेक्शन कर रहा है।
तो यहाँ पे एस टाइप में क्या है, एस टाइप में हमारे पास कैप्सूल बनता है, जो कैप्सूल फार्मिंग जीन्स है वो एक्टिवेट होते हैं, वो एक्सप्रेस होते हैं, और उनकी एक्सप्रेशन की वजह से हमारे पास जो एस टाइप है उसके गिर्द, उन सारे बैक्टीरिया के गिर्द हमारे पास एक कैप्सूल बनती है, किसी चीज की पॉलीसेक्राइड की एक कैप्सूल है, इसको ग्लाइकोकैलिक्स भी बोलते हैं या कैप्सूल, सिंपल इसको कैप्सूल बोल दो। तो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है कौन से, एस टाइप, उनके गिर्द कैप्सूल बनती है। और कैप्सूल के बेसिक काम क्या होता है, कैप्सूल का बेसिक काम होता है जो अंदर कैप्सूल के अंदर जो बैक्टीरिया पड़ा हुआ है उसको बाहर के एनवायरमेंट से क्या करना, प्रोटेक्ट करना, ये चीज हो गई। अब ये जो आर टाइप है, इनके जेनेटिक्स में भी सीएफजी जीन होते हैं, कौन से जीन होते हैं, सीएफजी मतलब कैप्सूल फार्मिंग जीन्स होते हैं, लेकिन वो है म्यूटेटेड, क्या है, उनमें हुई है म्यूटेशन। तो म्यूटेशन होने की वजह से वो सीएफजी को जो जीन्स है वो हमारे पास एक्सप्रेस नहीं होते, क्या नहीं होते, एक्सप्रेस नहीं होते, मतलब उनके जो सीएफजी जीन्स है ये खराब है, ये नॉन वर्किंग है। तो जब ये एक्सप्रेस नहीं होंगे तो ये जो बैक्टीरिया है उसके गिर्द हमारे पास कोई कैप्सूल नहीं बनता, ठीक है। जो हमारे पास आर टाइप है उसके गिर्द कोई कोट नहीं है, इसको क्या कहते हैं, कोटेड बैक्टीरिया भी कह सकते हो, कि जो आर टाइप है उसके गिर्द कोई भी कोट नहीं है, कोई भी पॉलीसेक्राइड का कैप्सूल नहीं है, जबकि जो एस टाइप है उसके गिर्द कैप्सूल प्रेजेंट है, उसके गिर्द क्या है हमारे पास, कैप्सूल प्रेजेंट है। ये बात हो गई। तो अब ये जब कैप्सूल की कवरिंग है तो इस कवरिंग की वजह से क्या होता है कि हमारे पास ये जो एस टाइप बैक्टीरिया बड़े शाइनी से बड़े स्मूथ सर्फस वाले थे, जैसे एक सेब है, एक एप्पल को ले लो, उस एप्पल का जो बाहर का छिलका है ना, तो उस छिलकी की वजह से एप्पल बड़ा स्मूथ और बड़ा शाइनी नजर आ रहा होता है। अगर उस छिलके को उतार दें तो देखो अब वो छिलका क्या कर रहा है, वो एप्पल को बाहर के एनवायरमेंट से प्रोटेक्ट भी कर रहा है, कि जब बाहर एनवायरमेंट कैसा भी हो अंदर तकरीबन प्रोटेक्शन रहती है उस छिलके की वजह से। अगर वो छिलका उतार दें तो अगले 10-15 मिनट में उस पर मतलब रस्ट होना शुरू हो जाते हैं हमारे पास सेब। तो वो छिलका क्या कर रहा है, वो उसकी प्रोटेक्शन कर रहा है, और उस छिलके की वजह से उस सेब की जो स्मूथनेस है, स्मूथ सा होता है, मुलायम सा होगा, शाइनी सरफेस उसकी होगी, जबकि अगर उसका छिलका उतार दे तो वो एक रफ सरफेस की तरह आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो आर टाइप है, जो एस टाइप है, इस कैप्सूल की वजह से जो एस टाइप की हमारे पास कॉलोनी बनती है वो बड़ी स्मूथ और शाइनी बनती थी, क्या बनती थी, स्मूथ एंड शाइनी। तो इस स्मूथ सरफेस की वजह से इसको कहा जाता है एस टाइप। एस टाइप मतलब स्मूथ टाइप, जिसके गिर्द जिसकी मतलब सरफेस या जिसकी कॉलोनी स्मूथ थी वो हमारे पास क्या है, एस टाइप, उसको इस वजह से कहा जाता है एस टाइप। जबकि यहाँ पे कोई भी कैप्सूल नहीं था, जब यहाँ पे कोई कैप्सूल नहीं था, कोई प्रोटेक्शन नहीं थी, तो इसकी जो कॉलोनी बनती थी वो रफ नजर आती थी, क्या नजर आती थी, रफ। और उस रफ की वजह से ये आर की वजह से इसको आर टाइप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आर टाइप। तो आर मतलब रफ टाइप, जबकि एस मतलब स्मूथ टाइप। तो कौन से दो हुए, आर टाइप और रफ स्मूथ टाइप। आर टाइप नॉन विरुलेंट है, मतलब वो बीमारी काज नहीं करते। एस टाइप जो है वो विरुलेंट है, क्योंकि वो बीमारी काज करते हैं। क्यों काज करते हैं, आप देखो इसके गिर्द क्या है, एस टाइप की गिर्द होती है हमारे पास कैप्सूल। कैप्सूल क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है। तो जब ये वाला बैक्टीरिया एक इंसान के अंदर जाएगा, ये वाला बैक्टीरिया क्या करेगा, एक इंसान के अंदर जाएगा, तो इंसान के अंदर जाने के बाद, किसी ह्यूमन के अंदर जाने के बाद, ह्यूमन का जो इम्यून सिस्टम है वो लाजमी बात है फॉरेन एंटीजन को देके एक्टिवेट तो होगा, लेकिन जब स्मूथ वाला जाएगा अंदर, तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जो ह्यूमन का इम्यून सिस्टम है, वो इसको किल नहीं कर सकता। क्यों किल नहीं कर सकता, ड्यू टू दिस कैप्सूल, कि ये जो बैक्टीरिया की गिर्द कैप्सूल है वो कैप्सूल बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम द इम्यून सिस्टम ऑफ मैनकाइंड, कि वो इंसानों के जो इम्यून सिस्टम है उससे उस बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो जब वो प्रोटेक्ट कर रहा होगा तो ये बैक्टीरिया ग्रो करेगा, और इसकी ग्रोथ की वजह से इसकी ब्रोलिंसी काज होगी और हमें निमोनिया हो जाएगा। लेकिन आर टाइप में क्या होता है, आर टाइप में कोई कैप्सूल नहीं है, तो जैसे ही वो हमारे ब्लड में जाता है या हमारे जिसम में जाते हैं, तो हमारे जो इम्यून सिस्टम है जिसमें मैक्रोफेजेस हैं, टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, बहुत सारी चीजें हैं, वो सारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होकर आर टाइप को उधर ही मार देता है, तो वो कोई ब्रांसी काज ही नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी कोई प्रोटेक्शन नहीं है। तो उन प्रोटेक्शन के ना होने की वजह से क्या है कि वो नॉन विरुलेंट है, वो बीमारी काज नहीं कर सकता, क्योंकि बीमारी काज करने से पहले ही उसको हमारे इम्यून सिस्टम मार देता है। जबकि एस टाइप क्या है, उसकी कैप्सूल है, तो उस कैप्सूल की वजह से वो प्रोटेक्टेड रहता है फ्रॉम आवर इम्यून सिस्टम। तो हमारा इम्यून सिस्टम जब उसको किल नहीं कर सकेगा तो वो हमारे पास ग्रो करेगा, वो कॉलोनीज बनाएगा, और वो हमारे पास विरुलेंसी काज करेगा, वो बीमारी काज करेगा, वो निमोनिया काज कर देगा। तो ये बेसिक हमारे पास है एस टाइप को समझना और आर टाइप को समझना। क्या एक अब एक फाइनल बात, आर टाइप क्या है, विरुलेंट नहीं है, मतलब बीमारी काज नहीं कर सकता। एस टाइप क्या है, वो हमारे पास बीमारी काज कर सकता है, पैथोजेनिक है या फिर विरुलेंट है। आरबीपी कौन सा, आर टू टाइप। एस कौन सा, एस थ्री टाइप। ठीक होगा, ये बात हो गई। अब चलते हैं हम ग्रिफ के एक्सपेरिमेंट की तरफ। ये हमने एस टाइप और आर टाइप की थोड़ी बहुत जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों के पास होनी चाहिए वो बता दी, क्योंकि इसके बाद अब एक्सपेरिमेंट को समझना इज वेरी इजी। अब एक्सपेरिमेंट में कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में कोई खास बात नहीं है, जो खास बैकग्राउंड कंसेप्ट था, जो इन्फॉर्मेशन थी, वो तुम लोगों को मैं बता चुका हूँ। अब देख जाते हैं एक्सपेरिमेंट की तरफ।
अब ग्रिफ ने क्या किया, ग्रिफ ने हमारे पास दो स्ट्रेन लिए, एक आर टाइप का लिया, कौन सा लिया आर टाइप, एक लिया हमारे पास एस टाइप, ठीक है, दो स्ट्रेन लिए। अब मुझे बताने की तो मेरे पास ख्याल से जरूरत नहीं है कि आर टाइप क्या है और एस टाइप क्या है। तो उसने भी स्ट्रेप्टोकोकस ने बनाए के दो स्ट्रेन लिए, आर टाइप और एस टाइप, उनको ग्रो किया पेट्री डिश में, किसमें ग्रो किया पेट्री डिश में, यहाँ पे उन्होंने आर टाइप को किया, यहाँ पे उसने एस टाइप को किया, ठीक हो गया, यहाँ पे ग्रो किया उसने आर टाइप को, यहाँ पे उसने ग्रो किया एस टाइप को, ठीक है। अब ये जो आर टाइप से फिर उस कॉलोनी से कुछ बैक्टीरिया उठाए और उन बैक्टीरिया को उसने क्या किया, एक इस तरह का एक चूहा था, एक माइस थी, उसमें इंजेक्ट कर दिया, मतलब आर टाइप को उठाया और उनको माइस के अंदर इंजेक्ट कर दिया। ये क्या थे हमारे पास, खैर ये कोई चूहा तो नहीं लग रहा है लेकिन उसको चूहा ही समझो, तो ये माइस में उसने आर टाइप को इंजेक्ट कर दिया और उसके बाद उसका रिजल्ट देखा, ठीक है, अभी मैंने बता रहा। इसी तरीके से उसने एस टाइप की कॉलोनी से भी कुछ बैक्टीरिया उठाए और उसको उस चूहे में इंजेक्ट कर दिया, ये दूसरा चूहा था, मतलब दूसरे जो ग्रुप था चूहों का, उसमें एस टाइप को डाल दिया और उसका भी रिजल्ट अब देखेंगे, ठीक है। तो अब आर टाइप जब हुआ तो आर टाइप हमें पता है कि नॉन वायरलेंट है, तो जब उनको माइस में इंजेक्ट किया तो वो माइस मरे नहीं, मतलब वो लिविंग थे, वो क्या थे लिविंग थे। तो इससे क्या मतलब हमें क्या पता चला कि आर टाइप जो है वो नॉन वायरलेंट है, मतलब वो बीमारी काज नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ भी माइस में चूहों में हमारे पास कोई बीमारी काज नहीं, कोई निमोनिया नहीं हुआ और वो जो हमारे पास चूहे थे वो उसके इंजेक्शन के बाद भी जिंदा रहे, तो इट मीन कि आर टाइप जो है वो चूहों को नहीं मार रहा, विच इज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी लिविंग है। एस टाइप को जब हमने किसका जो ग्रिफ ने उसको दिया इंजेक्ट किया, किसके अंदर माइस के अंदर इंजेक्ट किया, इस चूहों के अंदर इंजेक्ट किया, तो अब क्या है कि उस एस टाइप के इंजेक्शन की वजह से कुछ दिनों बाद या कुछ दो तीन दिन बाद ये जो हमारे पास चूहे थे इनको निमोनिया की बीमारी हो गई और ये मर गए। ये क्या हो गए, मर गए। मर गए मतलब क्या हुआ कि जो एस टाइप है वो भी याद रखना लिविंग, ये भी जिंदा है ये भी जिंदा है। एस टाइप को उसने चूहे में जब इंजेक्ट किया तो चूहे मर गए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एस टाइप है वो हमारे पास वायरुलेंट है, ये बात भी हो गई। फिर उसने क्या किया, फिर उसने ये एस टाइप उठाया और उसको हीट किल्ड किया, उसको यही लगा कि हमारे पास ये जो एस टाइप है इसके गिर्द हमारे पास कैप्सूल है, तो इस कैप्सूल की वजह से क्या है कि वो हमारे पास बीमारी काज हो रही है, तो इट्स मीन कि देयर इज समथिंग इन दैट कैप्सूल जिसकी वजह से हमारे पास ये बीमारी काज हो रही है। तो उसने क्या किया, उसने उन बैक्टीरिया एस टाइप उठाया और उनको हीट किया, तो हीट करने से क्या होता है बैक्टीरिया मर जाते हैं, उनका कैप्सूल जो है वो डिग्रेड हो जाता है, क्या हो जाता है डिग्रेड हो जाता है। तो यहाँ पर उसने एस टाइप उठाया हीट किल्ड, कौन से वाला हीट किल्ड, मतलब हीट के मदद से उसने एस टाइप को मार दिया, उसका जो कैप्सूल है वो डिस्ट्रॉय हो गया, अब उनमें कैप्सूल नहीं था। तो अब जब उन्होंने मतलब ग्रिफ ने जो हीट किल्ड एस टाइप था उसको चूहे में डाल दिया, क्या हुआ उसको क्या कर दिया चूहे में डाल दिया, ये हमारे पास बिलरे से चूहा है, उसके अंदर जब हीट किल्ड वाले डाल दिए तो अब क्या रिजल्ट आएगा, क्योंकि उसका कैप्सूल क्या हो चुका है डिस्ट्रॉय हो चुका है, वो जो एस टाइप थे वो मर चुके हैं, वो डेड है, वो जो हमारे पास हीट किल्ड एस टाइप थे जब वो इस चूहे में डाल दिए तो ये चूहा जो है ये लिविंग रहा, मतलब ये नहीं मरे, तो ये भी लिविंग है। अब देखो तीन तरह के एक्सपेरिमेंट, आर टाइप जिंदा डाले तो भी चूहे लिविंग है, एस टाइप डाल दिए जिंदा तो चूहे मर गए, अब एस हीट किल्ड डाल दिए मतलब पहले एस टाइप को मार दिया हीट करके, उसका जो कैप्सूल है वो डिस्ट्रॉय कर दिया और उसको फिर जब दोबारा से हमने किसमें डाला चूहों में डाला तो लिविंग रहे, मतलब वो नहीं मरे, वो क्या हुए नहीं मरे। साथ साथ में ये जो हमारे पास डेथ वाले हमारे पास क्या थे जो माइस थे, उन्होंने जो जो माइस मरे उनकी ब्लड से भी ग्रिफ ने क्या किया सैंपल निकाले और जब उन सैंपल को दोबारा एग्जामिन किया तो उसके अंदर एस टाइप बैक्टीरिया प्रेजेंट थे, क्या प्रेजेंट थे एस टाइप बैक्टीरिया प्रेजेंट थे। अब देखो इन तीनों केस में सिर्फ ये जब हमने जो लिविंग एस टाइप लिया तो उसके इंजेक्शन की वजह से एस टाइप उसके ब्लड में प्रेजेंट रहा, ठीक है, तो ये तो प्रेजेंट थे, ठीक है, मतलब चूहे मर गए लेकिन उनके ब्लड में एस टाइप था, कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया था, तो इट्स मीन के जो एस टाइप है वो निमोनिया काज कर रहा है, वो इन चूहों को मार रहा है। अब उसने क्या किया, उसने कहा कि यार देखो अगर मैं आर टाइप को लेता हूँ, किसको लेता हूँ आर टाइप को लेता हूँ तो उससे भी चूहे नहीं मर रहे, और मैं जब एस हीट किल्ड लेता हूँ मतलब ऐसे स्मो टाइप के लेता हूँ जिनको मैं मार चुका हूँ हीट की मदद से इनको भी लेता हूँ तो उनसे भी चूहे नहीं मर रहे, तो क्यों ना मैं आर टाइप और एस टाइप को मिक्स कर दूं, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने आर टाइप को और एस हीट किल्ड को मतलब ये दोनों जो है वो चूहों को नहीं मार रहे थे, ये दोनों नॉन वायरलेंट है, हीट किल्ड भी और आर टाइप दोनों, जब इसने ये दोनों हमारे पास मिक्स कर दिए मतलब आर के साथ एस
हीट किल्ड बैक्टीरिया भी ले लिए, SHK मैं इसको लिख रहा हूँ कि वो स्मूथ टाइप कौन सी जो किल हो चुकी है। इन दोनों को उसने लिया और इन दोनों को फिर चूहों में क्या कर दिया, इंजेक्ट कर दिया। चूहों में क्या कर दिया, इंजेक्ट कर दिया। तो उस इंजेक्शन से क्या हुआ कि हमारे पास अब क्या होगा, तुम खुद बताओ, छोड़ो उनको, क्या होना चाहिए, ना तो आर चूहों को मार रहा था ना हीट किल्ड एस जो है वो चूहों को मार रहा था, तो लगेगा क्या कि चूहे जो है वो जिंदा बच जाएंगे, ऐसा ही होना चाहिए। अगर ये जिंदा बच जाते तो क्या प्रूव होगा कि हमारे पास जो निमोनिया काजिंग एजेंट है वो बेसिकली उस एस टाइप का कैप्सूल है जो कि निमोनिया को काज कर रहे, ऐसा ही तो होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे हो गया थोड़ा सा अजीब मामला, क्या हो गया, थोड़ा अजीब मामला हुआ कि जब उसने इन दोनों को मिक्स कर दिया तो वहां पे रायता फैल गया और रायता क्या फैला कि वो भी डेड हो गई, डेथ काज हो गई, मतलब वो चूहे भी मार गए, उनमें भी निमोनिया हो गया और चूहे मर गए। तो अब ग्रिफ बड़ा परेशान कि यार ये क्या है, जब आर को मैं जिंदा रहता हूँ उससे भी चूहे नहीं मरते, एस को मैं हीट किल भी कर देता हूँ मतलब एस को मार देता हूँ उससे भी चूहे नहीं मर रहे, लेकिन इन दोनों को जब आपस में मिला तो चूहे मर रहे, मतलब अजीब सा सीन हुआ ना। उसके अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आया, एक्सपेक्ट वो यही कर रहा था कि ठीक है अगर ये रिजल्ट आया और इनसे भी चूहे जिंदा रहे तो मैं क्या दूंगा कि भाई एस टाइप के बेसिकली जो क्या है जो उसका क्या गोलधारा को अभी मैं क्या इसको बोल रहा था, नाम इजैन से निकल गया, कैसा जो कैप्सूल है वो कैप्सूल क्या करेगा, वो बीमारी कास कर रहे तो उसके खिलाफ कोई वैक्सीन बना लेंगे। लेकिन यहाँ तो रिजल्ट टोटल उल्टा आया और रिजल्ट क्या आया कि रिजल्ट ये आया कि जो आर है और जो SHK है जो हीट किल्ड हमारे पास स्मूथ टाइप है उन दोनों को मिलाने से भी चूहे मर रहे हैं। तो वहां पे आके फिर इसने बात की कि मतलब बहुत बार बार एक्सपेरिमेंट और बार बार वो रिजल्ट आ रहा है, तो उसने फिर बात की कि कुछ भी हो, क्या हो, कुछ भी हो, लेकिन ये जो हीट किल्ड हमारे पास क्या है बैक्टीरिया है वो किसी ना किसी तरीके से जिंदा हो गए, क्या हुए, जिंदा हो गया। बड़ी अजीब सी बात ही, क्योंकि जब इनका ब्लड उसने चेक किया, ये जो हमारे पास इसकी वजह से मरे थे हमारे ये चूहे, जब इनका ब्लड चेक किया तो इसके अंदर एस टाइप हमारे पास लिविंग प्रेजेंट था, क्या था, एस टाइप और लिविंग प्रेजेंट था, मतलब वहां पे कैप्सूल भी था, हालांकि कैप्सूल हीट किल्ड में डिस्ट्रॉयड था लेकिन वहां पे कैप्सूल भी बन गया था उन बैक्टीरिया में और वो ब्रेमिसी काज भी कर रहे थे, मतलब निमोनिया काज भी कर रहे थे, डेथ काज कर रहे थे। तो उसने कहा कि यार ये तो मरे हुए थे, तो मरे हुए तो जिंदा नहीं हो सकते, तो बेसिकली वो उसने यहाँ पे आके कुछ कहा कि कुछ हो लेकिन ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से जो आर लिविंग टाइप थी जो रफ थी जिसके गिर कोई भी हमारे पास क्या कैप्सूल नहीं था वो किसी ना किसी तरीके से जो डेड से कुछ ना कुछ आया, कुछ ना कुछ कोई इंफॉर्मेशन उन डेड से आई और उस इंफॉर्मेशन के आने की वजह से हमारे पास जो आर टाइप है वो ट्रांसफॉर्म हो गया एस टाइप में, इसमें एस टाइप में। तो यहां से हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ बैक्टीरियोलॉजी डेवलप हुआ और वो कॉन्सेप्ट क्या था, वो कॉन्सेप्ट था हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन, वो कॉन्सेप्ट क्या था हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली क्या है, सारे लोग जो है मूवीज तो कोई भी नहीं छोड़ता, देख रहे होते हो ट्रांसफार्मर्स मूवी, सब ने देखी है ट्रांसफार्मर्स मूवी में ट्रांसफार्मर्स क्या करते हैं, मतलब वो मुख्तलिफ गाड़ियों की शेप ले लेते हैं, एक शेप से दूसरी शेप में जा रहे होते हैं, कभी एक गाड़ी की शेप में, मतलब एकदम से वो अपनी शेप में चेंजिंग लाते हैं, ट्रांसफॉर्म होते हैं। तो यहाँ पर भी ट्रांसफॉर्मेशन हुई, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुई कि ये जो आर टाइप था जो कि रफ लुक दे रहा था वो किसी ना किसी तरीके से जो मरे हुए एस टाइप के हमारे पास बैक्टीरिया थे वहां से कुछ इंफॉर्मेशन आई और उस इंफॉर्मेशन की वजह से है ये जो आर टाइप है ये ट्रांसफॉर्म हुआ किसमें, एस टाइप में। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन, इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन को, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें एक बैक्टीरिया जो है वो अपने सराउंडिंग की वजह से वहां से कुछ इंफॉर्मेशन लेता है और इस इंफॉर्मेशन के बाद ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक और शेप में, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये बात ग्रिफ के एक्सपेरिमेंट यही तक है, उसने बाद में कुछ और ज्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से जो हमारे पास एवरी जो अगला एक्सपेरिमेंट है मैकलॉड और एवरी जो एक्सपेरिमेंट है मैकार्टी वालों का, तीन लोगों का, वो बेसिकली इसी जो एक्सपेरिमेंट को उन्होंने फर्दर आगे फिर असिस्ट किया या फर्दर इसको आगे थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने तकरीबन 16 साल बाद ही है, लेकिन इसी एक्सपेरिमेंट को आगे उसने प्रूव करने की कोशिश की कि यार ये ऐसी क्या चीज थी जो कि डेड से उठ के हमारे पास आ गई, कहाँ पे, इस जिंदा वाले आर लिविंग में आ गई और उसकी वजह से विरुलेंसी काज हो गई। तो ट्रांसफॉर्मेशन का आइडिया तो ग्रिफ के एक्सपेरिमेंट से हो गया, इवन ये इसी वजह से कहा जाता है कि जो ग्रिफ था उसने ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो डिस्कवर किया, लेकिन उसको अभी प्रॉपर समझ नहीं आ रही थी कि जो ट्रांसफॉर्मेशन में भी हीट किल्ड जो बैक्टीरिया था उसमें से क्या चीज जो है वो आ गई लिविंग के अंदर और उसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, मतलब उसके जो हीट किल्ड बैक्टीरिया उसमें
डीएनए भी था, उसमें आरएनए भी था, उसमें प्रोटीन भी था, उसमें बाकी कुछ लिपिड्स भी थे, तो वो क्या ऐसी चीज थी जो कि वहां से आई आर के अंदर, मतलब जो लिविंग हमारे पास रफ बैक्टीरिया थे उसके अंदर आया, और उसकी वजह से वो बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म हो गए और उसकी वायरलेंसी काज हो गई, वो डेथ काज करना शुरू कर दिया। तो वो चीज जो है वो अगले एपिसोड में हम देखेंगे, मैकलॉड मैकॉर्टे और एवरी का जो एक्सपेरिमेंट था कि वो क्या चीज थी जो कि उस बैक्टीरिया से आई आर के अंदर और उसने ये ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस कर दिया। तो ये पहला एक्सपेरिमेंट था ग्रिफ का एक्सपेरिमेंट, उसने यही सारे काम किए। मेन बात इसमें क्या है, मेन बात इसमें यही है कि आर टाइप क्या होता है, एस टाइप क्या होता है। आर टाइप के क्या इफेक्ट है, वो हमारे पास वायरलेंसी काज नहीं करता। एस टाइप के क्या इफेक्ट है, वो वायरलेंसी काज करता है। क्यों काज करता है, उसके गिर्द कैप्सूल होती है जो कि उसको प्रोटेक्ट करती है इम्यून सिस्टम के अगेंस्ट। उसके बाद अगर हम हीट किड एस टाइप ले लें, मतलब हम एस टाइप को पहले हीट की मदद से मार दें फिर उसको माइसिन इंजेक्ट करें, तो उससे भी हमारे पास वायरलेंसी काज नहीं होती। लेकिन मसला तब उठता है जब आर और जब हम लिविंग जो आर टाइप है उसको और जो हीटली किल्ड हमारे पास एस टाइप है उन दोनों को मिला के डालते हैं माइस के अंदर, तो उनके अंदर डेथ होना शुरू हो जाती है, बीमार होना वो शुरू हो जाते हैं। तो इट्स मीन कि देयर इज समथिंग व्हिच हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम एस टाइप हीटली किल्ड बैक्टीरिया इनटू आर टाइप लिविंग बैक्टीरिया। तो उस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से वो जो अच्छा भला नेक बंदा था, जो नेक बैक्टीरिया था हमारा आर टाइप, वो भी कन्वर्ट हो गया किसमें, एस टाइप में कन्वर्ट हो गया। उसने भी वायरलेंसी कास्ट करना शुरू कर दी। तो क्या चीज जो है वो ट्रांसफर हुई थी उस एक्सपेरिमेंट में, या उस बैक्टीरिया से क्या चीज ट्रांसफर हुई थी हमारे पास आर टाइप के अंदर, वो देखेंगे हम अगले एपिसोड में इंशाल्लाह एक नए एक्सपेरिमेंट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।